नमस्कार। यदि आप एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन सेक्टर में कहीं काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास। जानते हैं क्यों? क्योंकि COVID-19 ने हमारे देश में एजुकेशन इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे उनकी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। यदि ऐसा ही बना रहा 2 से 4 मंथ तो एजुकेशन इंडस्ट्री में हमें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों, हमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश है। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, इस सभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऐसा क्या करें जो हम इस बिजनेस में सरवाइव करें? तो जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम होता है उसे कौन ऐसा प्रोग्राम है जो रिप्लेस कर दे? इस सभी सवालों से हम सब चिंतित हैं। बट आप जरा भी चिंतित ना हो, क्योंकि आज के समय में लाइव क्लासेज बहुत ही सक्सेस हैं। यदि क्लासरूम प्रोग्राम से बेटर फैसिलिटी दिया जाए तो आज भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब आपको मन में एक सवाल होगा कि क्लासरूम से बेहतर कैसे फैसिलिटी दिया जाएगा? जी हम दे सकते हैं क्लासरूम से बेहतर फैसिलिटीज। आपको सबसे पहले यह समझना होगा क्या ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस होगा या नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि यदि किसी भी हैबिट को चेंज करना है तो आप 1 मंथ कंटिन्यू उसे करें। दोस्तों आप जानते हैं जितने भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन का हैबिचुअल हो चुके हैं, मानते हैं कि क्लासरूम प्रोग्राम बेहतर होता है लाइव क्लासेज से। फिर भी जब क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो भी 60-70% स्टूडेंट ऑनलाइन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन के आदि हो चुके होंगे उस वक्त। अब आपका मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि लॉकडाउन के समय एजुकेशन इंडस्ट्री तो पूरी तरह से क्लोज है, तो फिर एजुकेशन में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें अभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अभी भी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है? हम आपको एग्जांपल देते हैं। एनडीए और एफकट का नाम आपने सुना होगा। इनका नोटिफिकेशन अभी जस्ट आउट हुआ है, इनका एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। लॉकडाउन के वक्त नोटिफिकेशन आउट हुआ है, एग्जामिनेशन ये दोनों एग्जाम का तो होगा ही होगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में। तो सबसे पहला बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है डिफेंस एग्जाम में। डिफेंस में बहुत ऐसे एग्जामिनेशन हैं जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और स्टेट पुलिस। इन सभी एग्जामिनेशन में साल में 3 CR से अधिक स्टूडेंट अपियर होते हैं, जो एक बहुत बड़ा डिमांडेबल कोर्स है अभी के समय में। दूसरा कोर्स है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहां एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही होता है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या अच्छे कोचिंग की तलाश कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम जैसे लॉ, जेई, नीट, एमसीए, बीबीए, यानी जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम हैं, इन सभी एंट्रेंस को यदि देखा जाए तो साल में एवरी ईयर एटलीस्ट 1 CR से अधिक स्टूडेंट अपीयर होते हैं, इस एग्जाम को देते हैं, इन सभी एग्जाम को देते हैं। फर्स्ट से लेकर के 12th तक का जो कोचिंग सेंटर है उसका डिमांड आज भी है। यकीन नहीं होता तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप टीवी देख रहे होंगे, टेलीविज़न देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर स्टडी करते होंगे, तो उन सभी में एडवर्टीजमेंट सबसे अधिक 9th, 10th, 11th, 12th के कोचिंग सेंटर का ही है। यदि हम 9th, 10th, 11th, 12th की बात करें तो एवरी ईयर 1.5 CR से अधिक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तो इस तरह से
कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में भी बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और आपको इस बात को एहसास होना चाहिए, जिसका डिमांड अभी के वक्त है उसका डिमांड फ्यूचर में भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। रही बात कुछ ऐसे कोर्स जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, मानते हैं हम कि इस साल इनकी एग्जामिनेशन ना हो, बट ये हम कभी यकीन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम में एवरी ईयर 6 CR से अधिक स्टूडेंट अपीयर होते हैं। सभी एग्जामिनेशन के साथ साथ एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो साल में 2 बार कंडक्ट करती है, वो है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट होती है और एक एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपीयर होते हैं वो 22 से 23 लाख अपीयर होते हैं, 22-23 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। यानी सीटेट में देखा जाए तो केवल सीटेट में एक साल में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 44-46 लाख स्टूडेंट। इसी के साथ गवर्नमेंट जॉब में एक और एग्जामिनेशन है, वो है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केवी। आपको एक बात बता दें कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इंडिया में अभी ऑनलाइन तो प्रिपरेशन ही नहीं कोई करा रहा है, यानी यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। इसके बाद है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। हम आईएएस की बात करते हैं तो आईएएस की प्री में एटलीस्ट जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं वो 8 से 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। और आप जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम होना ही होना है, उसके बाद बच्चे स्टेट पीसीएस देते हैं। एक स्टेट की बात करें तो 4 से 5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कितने स्टेट हैं, हर स्टेट का पीसीएस एग्जाम होता है। यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्जामिनेशन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो एग्जामिनेशन होता है, इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 6 CR से अधिक स्टूडेंट एवरी ईयर अपीयर होते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि इन सभी बच्चे को ऐसा क्या फैसिलिटी दिया जाए जो इनरोलमेंट हमारे साथ करें, हमारे कोचिंग में करें, तो हमें एनालिसिस करना होगा, हमें ये देखना होगा कि जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं या क्लासरूम प्रोग्राम चला रहे थे उन सब से बेहतर फैसिलिटीज कैसे दें। हम उन्हें क्लासरूम से बेहतर लाइव क्लासेज प्रोग्राम देंगे, वो हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी स्थान से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लासरूम में जो क्लास मिस हो जाता था उसका रिकॉर्डेड नहीं मिलता था, यहाँ पे हम उनको रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे। जितनी भी स्टडी मटेरियल है उसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स होंगे उन्हें हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे और उनका प्रॉपर एनालिसिस हमारा एक्सपर्ट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट में कहीं कोई वीक पॉइंट तो नहीं है। यदि कोई उन्हें वीक पॉइंट है तो उस वीक पॉइंट का डिस्कशन हम स्टूडेंट से करेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए वो तैयार हो जाए और जो वीक पॉइंट है उसे दोबारा स्टडी कर लें, उससे रिकॉर्डेड वीडियो देख करके एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें और अपना प्रॉब्लम क्लास डिस्कस करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम हम प्रोवाइड करेंगे अपने स्टूडेंट के लिए। बच्चे का जो प्रोग्रेस होगा वो मंथ में हम उनके पेरेंट्स से भी डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 बार मंथ में तो हम जरूर करेंगे। हमारा जो एक्सपर्ट होंगे, जो क्वालिटी देख रहे होंगे, वो उनकी बच्चे के पेरेंट्स से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे क्या वीक पॉइंट है, उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए जिसके माध्यम से उनका रिजल्ट हो जाए। अपनी इन सभी फैसिलिटी के साथ साथ ये सभी चीज़ें हम उन्हें कम प्राइस में देंगे और
इजी टू पे होगा उनको, वो कहीं कैश पे करना चाहें कैश कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं, जिस मीडियम से भी वो पे करना चाहते हैं वो सभी फैसिलिटी हम उन्हें देंगे। इन सभी के साथ साथ एक और फैसिलिटी हम देंगे, वो होगा कि बच्चा जिस सिटी का है उस सिटी में हमारा कोई एसोसिएट पार्टनर होंगे, उनसे जाकर के फेस टू फेस मिलें और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें। उनका प्रॉब्लम हमें उम्मीद है कि उसी वक्त सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये सभी फैसिलिटीज हम सब यदि देते हैं तो इन सब बच्चे का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल होने की संभावना बढ़ जाएगा। हम रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग क्लासेस देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल देंगे। यदि ऐसा करते हैं तो रिजल्ट हमारे लिए हमारे फेवर में रहेगा और स्टूडेंट का भी फेवर में रहेगा। अब आपको फील हो रहा होगा कि यदि बच्चा ऑनलाइन के हैबिचुअल हो चुके हैं या हो रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हम क्यों नहीं चला दें, हम खुद ही चला लेते हैं। जी हाँ, आप चला सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव क्लास प्रोग्राम आप चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास सभी सेटअप है, आपके पास फैकल्टीज हैं, आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम चलाते वक्त आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो है पहला टेक्नोलॉजी। यदि टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऑनलाइन में सफलता आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है बेस्ट फैकल्टी। सबसे अच्छे टीचर की बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होगी ऑनलाइन में। अब सवाल ये पूछता है कि आप तो क्लासरूम प्रोग्राम चला रहे थे, फैकल्टी जो आपके हैं, जो आपके टीचर हैं, उनके एक्सपीरियंस तो फेस टू फेस पढ़ाने में है, वो कैसे पढ़ाएंगे? चूंकि ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लासेज में क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छे स्पीकर की जरूरत होती है, और अच्छा स्पीकर वही होता है जिसमें क्वालिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस हो। ऑनलाइन पढ़ाना एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें ये आर्ट होगा वो फैकल्टी सक्सेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसके बाद इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे अहम चीज की जरूरत होती है, वो होती है फाइनेंस। अब आपको सवाल उठता होगा कि फाइनेंस की क्या जरूरत है, हर मंथ तो कोचिंग फीस आती है, बट अभी के समय में आप श्योर नहीं हैं कि कितना बच्चे का एडमिशन होगा या कितने फी कलेक्शन होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आप श्योर बिल्कुल नहीं है। आप क्लासरूम में मान लेते हैं 50 स्टूडेंट एडमिशन लेते थे पर मंथ, लाइव क्लास में हो सकता है कि आप 2 से 3 बच्चे का ही एडमिशन लें। तो आप जरा सोचिए कि अगर 2 से 3 बच्चे का एडमिशन होता है तो आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। यदि आपने क्लास स्टार्ट कर दिया तो आप ये भी जानते हैं कि उसकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी सर्विसेज आप कैसे देंगे। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है उसकी मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी देना, उसके साथ साथ सभी फैसिलिटीज देना। क्योंकि आज के समय में बहुत ऐसे वेब पोर्टल हैं, बहुत ऐसे एप्लीकेशन हैं जो लाइव क्लासेज चला रहे हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेज चला रहे हैं, बट कितना सक्सेस है, क्या उन सभी क्लासेज से बच्चे का रिजल्ट हो रहा है? क्योंकि हम सभी लोग ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं बच्चे से, हम बच्चे को प्रॉब्लम को जानते हैं, हम उन्हें समझते हैं, और हमारा मकसद होता है उनका रिजल्ट देना। क्या आज मकसद वो नहीं है? तो कितने ऐसे पोर्टल हैं, कितने ऐसे वेब हैं, कितने ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका मकसद है रिजल्ट देना, और रिजल्ट देना इतना ईजी नहीं है लाइव क्लासेज में। उसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए टीम की ज़रूरत होती है। तो वो सब टीम कैसे होगा, बिना फाइनेंस का तो होगा नहीं, और क्या अकेले हम इस काम को कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कर सकते हैं,
क्योंकि तारा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, ये सभी फैसिलिटी लेकर आया है जहां आप प्राउड से बोलेंगे कि मेरा बच्चा 100% रिजल्ट निकालेगा, यानी वी आर वर्किंग फॉर देम। आज भी हमारा वही सोच है, तो आप भी अपना सोच वही रखिए कि 100% रिजल्ट दें। वो रिजल्ट कैसे होगा आपको हम बताते हैं, तारा इंस्टीट्यूट क्या फैसिलिटी देगा। तारा इंस्टीट्यूट आपको टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज देगा, आपको मार्केटिंग में सपोर्ट करेगा, आपको क्वालिटी मेंटेन में सपोर्ट करेगा। और किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए ये तीन चीज अहम होती है। ये तीनों चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड करेंगे, जहां पे हैं वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे, और जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस बिजनेस में। अब आपका मन में एक सवाल होगा कि हम लोग तारा इंस्टीट्यूट से कैसे एसोसिएट हों, तो आप घबराए नहीं। तारा इंस्टीट्यूट तीन तरह का फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल लेके आया है। पहला है सिल्वर पार्टनर, दूसरा है गोल्ड पार्टनर, और थर्ड है प्लैटिनम पार्टनर। सिल्वर पार्टनर कोई भी बन सकता है जिनका सेंटर किसी भी सिटी या शहर में हो। तारा इंस्टीट्यूट उन्हें एश्योर करता है कि जितना अभी आप अर्न कर रहे हैं उससे बेहतर इनकम आपको मिलेगा यदि आप तारा इंस्टीट्यूट के ऑथराइज पार्टनर बनते हैं तो। दूसरा है गोल्ड पार्टनर। गोल्ड पार्टनर वो हो सकते हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट के मेन सिटी में उनका सेंटर हो, साथ ही साथ उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर नॉलेज हो, ज्योग्राफिकली नॉलेज हो, सिटी वाइज नॉलेज हो, उन्हें ये पता हो कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं और कितने तहसील हैं, इटीसी, ये सभी जानकारी उन्हें होना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज करने की एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 से 15 सिल्वर पार्टनर हो सकते हैं, तो इन सभी सिल्वर पार्टनर को आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा, मैनेज करना होगा, उन्हें प्रॉपर ढंग से मैनेज करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि उनके पास जाना पड़े उनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए। यदि ये क्वालिटी आप में है तो आप हमारा गोल्ड पार्टनर बन सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, आप एक सिल्वर पार्टनर तो है ही, साथ ही साथ आपको जितने भी सिल्वर पार्टनर हैं उन सभी से फिक्स रॉयल्टी मिलेगा। ये है गोल्ड पार्टनर बनने का फायदा। थर्ड है प्लैटिनम पार्टनर। प्लैटिनम पार्टनर वो होंगे, हम 15 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उस 15 डिस्ट्रिक्ट में से जितने भी गोल्ड पार्टनर हैं उन सभी में से एक को चूज करेंगे, जिनमें पूरी 15 डिस्ट्रिक्ट का ज्योग्राफिकली नॉलेज हो उनको, उन्हें एक्सपीरियंस हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज करने की, ब्लॉक लेवल पे मैनेज करने की। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गोल्ड पार्टनर और सिल्वर पार्टनर को मैनेज कर सकें, उन्हें सर्विसेज दे सकें, तो वो हमारा प्लैटिनम पार्टनर हो सके। तो ये तीन तरह का फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है। तो आप अपने क्वालिटी के अनुसार, आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हमसे किसी भी बिजनेस मॉडल से जुड़ सकते हैं। इन सभी बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल में समझने के लिए हमें कॉल करें इस नंबर पे। नंबर है 9311556699। नंबर एक बार और सुन लें, 9311556699। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।